सीआईटी एनसीआरटी प्रेजेंट्स ट्रायलिंग डिक्शनरी ऑफ हिस्ट्री फॉर स्कूल्स इतिहास विद्यालयों के लिए त्रिभाषी शब्द कोश तारीख की लुगत स्कूलों के लिए सहलानी लेटर एस इंडेक्स वर्ड एंड पेज नंबर सभा पेज वन हंड्रेड इलेवन सद्रेज वन हंड्रेड इलेवन सदर निजामत अदालत पेज वन हंड्रेड इलेवन समिति पेज वन हंड्रेड ट्वेल्व संधि विग्रह का पेज वन हंड्रेड ट्वेल्व संगम पेज वन हंड्रेड ट्वेल्व संघ पेज वन हंड्रेड थर्टीन पेज वन हंड्रेड फोर्टीन सरकार पेज वन हंड्रेड फिफ्टीन सार्थवाह पेज वन हंड्रेड फिफ्टीन सत्याग्रह पेज वन हंड्रेड फिफ्टीन सवार पेज वन हंड्रेड फिफ्टीन सेकेंडरी सोर्स पेज वन हंड्रेड सिक्सटीन सेपरेट इलेक्टोरेट पेज वन हंड्रेड

Page, one hundred eighteen. Silk route. Page, one hundred eighteen. Sirah, sirat. Page, one hundred nineteen. Socialism. Page, one hundred nineteen. Shresthan. Page, one hundred nineteen. Stratigraphy. Page one hundred nineteen Sridhana Page one hundred twenty Stupa Page one hundred twenty Suba page one hundred twenty one subsidiary alliance page one hundred twenty one Sufi Sufism page one hundred. 22 Kul. page 122 sumptuary laws page 123 now let's move to the dictionary of history page 111 sabha in the vedic texts the term has been mentioned in the sense of an assembly which had the elders or great men of the tribe as its members as a constant body where political affairs were freely discussed it exercised considerable checks on the powers of the king and influenced decision making on important issues that the sabha enjoyed a position of high esteem during the vedic age is made out from its description as one of the twin daughters of prajapati the creator sabha वैदिक संहिताओं में इस शब्द का उल्लेख एक ऐसी परिषद के अर्थ में किया गया है जिसके सदस्य जनजाति के बड़े बुजुर्ग लोग होते थे निरंतर चलने वाले इस निकाय में राजनीतिक विषयों पर खुलकर चर्चा होती थी ये सभा राजा की शक्तियों पर पर्याप्त नियंत्रण रखती थी और महत्वपूर्ण मुद्दों पर लिए जाने वाले निर्णयों को प्रभावित करती थी वैदिक काल में सभा को उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त थी इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि उसे सृष्टि रचयिता प्रजापति की जुड़वा पुत्रियों में से एक बताया गया है सभा वेद के मतून में इस अतला का जिक्र इजलास के मफहम में किया गया है जिसके अरकान कबीले के बुजुर्ग या बड़े लोग होते थे मुस्तकिल रुकन होने की हैसियत से ये सियासी मसाइल पर आजादाना बहस करते और बादशाह के इख्तियारत पर भी काफी नजर रखते थे मसाइल के फैसलों पर असरअंदाज होते थे वैदिक अहद में इस सभा को आला मकाम हासिल था इसका अंदाजा इस बात से होता है कि इसे खालिक प्रजापति की जुड़वा बेटियों में से एक बताया गया है सदर, टर्म रेफर्सिशन बोथ अंडर द मुगल्स Under the Delhi Sultans, the Sadr, also known as Sadre Jaha, looked after the ecclesiastical, that is, religious department. Sometimes the posts of the Sadre Jaha and the Chief Qazi also used to be rolled into one during this period. Under the Mughals, the term that was widely used for the principal Sadr was Sadrau -e Sudur. As a person who was in charge of granting revenue free land and stipends to poor and deserving people, his position was highly coveted by the members of the ulema. According to Abul Fazl, a person considered wise and judicious was usually considered for this lofty position. The prominence of the sadhru during this period accrued from his being considered as the main link between the ulema and the ruler. इन मोस्ट ओकेजन ही एक्टेड एस द चीफ एडवाइजर टू दर ऑन इशूज रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ द शरियत सी ऑल्सो शरीय सद्र ये शब्द दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के शासन में एक ऊंचे पद का सूचक है दिल्ली सल्तनत के शासन में सदर जिसे सदर जहां भी कहा जाता था धर्म संबंधी कार्यों के विभाग की देखभाल करता था उस जमाने में कभी कभी सदर जहान और मुख्य काजी के पदों को मिलाकर एक ही पद बना दिया जाता था मुगलों के शासनकाल में प्रधान सदर को व्यापक रूप से सदर उस सुदूर कहा जाता था एक व्यक्ति के रूप में वो गरीबों तथा सुपात्र लोगों को राजस्व मुक्त भूमि और वजीफे देने का प्रभारी होता था इसलिए उलेमा का हर सदस्य इस पद को प्राप्त करने का इच्छुक होता था फजल के अनुसार बुद्धिमान तथा न्यायप्रिय व्यक्ति को ही आमतौर पर इस ऊंचे पद के लिए चुना जाता था इस काल के दौरान इस पद की विशिष्टता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसे उलेमा और शासक के बीच की मुख्य कड़ी माना जाता था अधिकांश अफसरों पर वो शरीयत की व्याख्या तथा प्रवर्तन से संबंधित मुद्दों पर बादशाह के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता था शरीयत भी देखें सद्र इस अतला से मुराद सलात दिल्ली और मुग़लों के दौर का एक आला अहदा है सलातीन दहली के दौर में सदर को सदर जहां भी कहा जाता था जो मजहबी महकमे की देख रेख करता था उस दौर में सदर जहां और काजिल कज़ात का बसा औकात एक ही शख्स के पास होता था मुग़लों के दौर में इस इस्तेला का इस्तेमाल ज़्यादातर सदर के लिए किया जाता था जिसके ज़िम्मे मालगुजारी से मुस्तना ज़मीन की तकसीम गरीब और मुश्तक लोगों को वज़ाइफ देना था उलमा इस अहदे के बहुत ख्वाहिशमंद होते थे अबुल फजल के मुताबिक आम तौर पर इस अहदे के लिए आक़िल और आदिल शख्स को मौजून समझा जाता था इस अहदे की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि उस दौर में ये हुक्मरान और माबिन रबते का ख़ास वसीला था शरीत की तशरी व और उसके नफात के सिलसिले में अक्सर मौाक़े पर बादशाह के मुशीरे आला के तौर पर काम करता था मजीद शरीय दैट वॉज एस्टेब्लिश इन कैलकाटा इन सेवन सेवन टू इन देक ऑफ द जुडिशियल रिफॉर्मस दैट वर इंस्टीट्यूटेड बाई वॉर्न हेस्टिंग इन द बंगाल प्रेजिडेंसी द कोर्ट वॉज प्राइडेड ओवर बाई अ डेप्यूटी नाजिम he was assisted by the chief qazi that is muslim judge the chief mufti that is expert in islamic law and three maulvis that is islamic scholars in the discharge of his functions overall the president or the governor general and the council supervised the proceedings of this court sadr nizamat adalat इसका तात्पर्य उस मुख्य फौजदारी अपीलीय अदालत से है जो बंगाल प्रेसिडेंसी में वॉरन हेस्टिंग्स द्वारा प्रारंभ किए गए न्यायिक सुधारों के बाद सत्रह में कलकत्ता में स्थापित की गई थी एक उप नाजिम इस अदालत का अध्यक्ष होता था उसके कार्यों के सुचारू संचालन में मुख्य काजी अर्थात मुस्लिम न्यायाधीश मुख्य मुफ्ती अर्थात इस्लामी कानूनों का विशेषज्ञ और तीन मौलवी अर्थात इस्लाम के विद्वान उसे सहायता देते थे कुल मिलाकर अध्यक्ष या गवर्नर जनरल तथा परिषद इस अदालत की कार्रवाइयों का पर्यवेक्षण करते थे पेज 112 सदर निजामत अदालत इस इतलाह से मुराद दरख्वास्त करने के लिए बनाई गई फौजदारी अदालत आलिया है जिसे सत्रह में कलकत्ता में उन अदालती असलाहत के पेश नज़र क़ायम किया गया था जिसकी तश्कील वॉरन हेस्टिंग्स ने बंगाल प्रेजिडेंसी में की थी अदालत की सदारत नायब नाजिम करता था कामों की अंजाम देही में काजी आला यानी मुस्लिम जज मुफ्ती यानी इस्लामी क़ानून के माहिर और तीन मौलवी यानी इस्लामी स्कॉलर उसकी मदद करते थे मजमुई तौर पर इस अदालत की कार्रवाइयों की निगरानी सदर या गवर्नर जनरल और काउंसिल करती थी समिति द टर्म रेफर्स टू अ पॉपुलर असेंबली रिप्रेजेंटिंग अ वाइट क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल विच ऑक्यूपाइड अ प्री एमेंट पोजिशन इन डिस्कसिंग सोशल एंड पोलिटिकल अफेयर्स ऑफ द लाइफ ऑफ द कम्युनिटी ड्यूरिंग द वैदिक एज लाइक द सभा द समिति ऑल्सो एक्सरसाइज कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस इन टेकिंग डिसीशंस The Samiti did not have regular sessions, but used to be convened on special occasions to deliberate on important issues. The presiding officer of Samiti, called Ishnan, has often been mentioned in the Vedic texts as quite unsurpassable in his power. However, the Samiti lost its preeminence towards the end of the Vedic age. Samiti वैदिक काल में समिति एक ऐसी लोकप्रिय परिषद होती थी जिसमें व्यापक रूप से समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व होता था यह समिति समस्त समुदाय से संबंधित सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों पर चर्चा करती थी सभा की तरह समिति भी निर्णय लेने के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका रखती थी समिति के सत्र नियमित रूप से नहीं होते थे लेकिन इसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के लिए कुछ खास मौकों पर बुलाया जाता था समिति के अधिष्ठाता अधिकारी इश्नन के विषय में वैदिक संहिताओं में कहा गया है कि उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था किंतु वैदिक काल की समाप्ति के आसपास समिति ने अपनी सर्वोपरि महत्ता खो दी थी समिति इस अतला से मुराद कसीर लोगों की एक मशहूर नुमाइंदा असम्बली है जिसे वैदिक अहद में लोगों की समाजी और सियासी ज़िंदगी से वाबस्ता मसाइल पर बहस व मुबाशा के लिए आला मकाम हासिल था सभा की तरह समिति भी फैसलों पर काफ़ी असरअंदाज होती थी समिति की मुस्तकिल नशस्तें नहीं होती थीं ताहम मखसूस मौाक़ी पर अहम मसाइल पर गौर वौस के लिए मुनद की जाती थी इख्तियारत के तनाजिर में समिति के सदर का तस्करा मुतून वेद में बिल्कुल एक न काबिल शख्स के तौर पर किया गया है जिसे स्नान कहा जाता था लेकिन समिति की अपनी अहमियत वैदिक अहद के अविर में खत्म हो गई संधि विग्रहिका द टर्म लिटरली मीन्स मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस अपॉइंटमेंट्स टू सच अ पोस्ट आर मैं द फर्स्ट टाइम इन द फेमस अलाहाबाद प्रशस्ति Sandhi Vigrahika is mentioned here as a high ranking officer in charge of the conduct of relations with other states, including initiating war and concluding alliances. Apart from being a foreign minister or secretary, the Sandhi Vigrahika also performed the work of a military general. He accompanied the emperor on campaigns. Succession to this important office was occasionally hereditary. Sandhi Vigrahika इस शब्द का शाब्दिक अर्थ युद्ध एवं संधि मंत्री है इस पद पर नियुक्ति का उल्लेख सर्वप्रथम सुप्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है इस प्रशस्ति में उसका उल्लेख एक उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप में किया गया है जिसे अन्य राज्यों के साथ संबंध बनाए रखने का प्रभार सौंपा गया था जिसमें उनके साथ युद्ध और संधि करने का कार्य भी शामिल था विदेश मंत्री या सचिव होने के साथ साथ संधि विग्रहिक सेनापति का दायित्व भी पूरा करता था सैन्य अभियानों में वो सम्राट के साथ रहता था कभी कभी इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति वंशानुगत आधार पर भी होती थी संधि विग्रहिक इस इतलाह इस का लफ्जी मायने वजीर बराए जंगो अमन है इस तरह के मुनासिब पर तकरूरी का तस्करा पहली मर्तबा मशहूर अलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है संधि विग्रहिक का तस्करा यहाँ एक आला अफ़सर के तौर पर किया गया है जिसके जिम्मे दूसरी रियासतों से कायम करना जंग के लिए पेश कदमी और महादों की तकमील करना था वजीर ख़ारजा या सेक्रेटरी होने के अलावा संधि विग्रहिक सिपा सहलार की हैसियत से फ़ौजी खिदमत भी अंजाम देता था वो महमों में बादशाह के हमरा होता था बसा औकात इसे अहम मनसब की जानशीनी मरोसी होती थी संगम दिस इज अ संस्कृत टर्म विच लिटरली मीन्स कॉन्फ्लुएंस इन इंडियन ट्रेडिशन द टर्म इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द मीटिंग ऑफ रिवर्स द मोस्ट फेमस संगम इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज सेट टू बी द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स गंगा यमुना एंड सरस्वती एट प्रयाग दैट इज मॉडर्न अलाहाबाद वेयर अ महाकुंभ इज हेल्ड वंस इन एवरी ट्वेल्व इयर्स In the Tamil literary tradition, however, the term refers to the three Sangams which had met in the ancient Pandyan kingdom between circa 500 BCE and circa 500 CE. Each of these Sangams was consisted of distinguished poets and scholars who accorded literary recognition to works that were presented to them for approval. Tradition has it that the first Sangam consisting of poets and scholars of great antiquity such as Agastya, Muranjiur and Mudinagarayar had been held at the ancient capital city of Madura, the Pandyan kingdom which subsequently got submerged in the sea. Although this Sangam is said to have produced great classical works, none of those has unfortunately survived. Similarly, the Second Sangam held at Kapatapuram and was attended by such distinguished poets such as Agastya, Irandayur and Vellur is said to have produced many famous works of which the famous grammatical treatise of the Tamil language Tolakappiyam has survived. The third Sangam held at the now existing city of Madurai in Tamil Nadu, however, has left behind the maximum number of the most celebrated literary works of that time for the future generations, attended by literary personalities like Nakkirar, Irayanar, Kapilar, Sithilasthanar, Tiruvalluvar, and Paranar. The works of which have come down from this Sangam are the Paripadal.

भारतीय परंपरा में इस शब्द का प्रयोग अक्सर नदियों के एक साथ मिलने के अर्थ में हुआ है इस संदर्भ में सबसे सुप्रसिद्ध संगम प्रयाग अर्थात आधुनिक इलाहाबाद के पास स्थित गंगा यमुना और सरस्वती नदियों का है जहाँ हर बारहवें साल महाकुंभ का आयोजन होता है किंतु तमिल साहित्य परंपरा में ये शब्द उन तीन संगमों का सूचक है जो प्राचीन पांडे राजाओं के राज्य में 500 ईसा पूर्व से 500 सौ ईस्वी के बीच आयोजित किए गए थे ऐसे प्रत्येक संगम में ऐसे सुप्रतिष्ठित कवियों तथा विद्वानों ने भाग लिया था जिन्होंने अपने समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई साहित्यिक कृतियों को साहित्यिक मान्यता दी थी ऐसा कहा जाता है कि पहला संगम पांडे राज्य की प्राचीन राजधानी मदुरा में हुआ था जिसमें अगस्त्य मुरजियूर और मुदीनगरयार जैसे प्राचीन विद्वानों ने भाग लिया था आगे चलकर ये नगर समुद्र में समा गया इस संगम में यद्यपि अनेक महान ने कृतियों को मान्यता दी गई थी लेकिन दुर्भाग्य से उन कृतियों में से एक भी नहीं बची है इसी प्रकार दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ था जिसमें अगस्त्यरुंडयूर और वेल्लूर कप्पियम जैसे सुप्रतिष्ठित कवियों ने भाग लिया ऐसा कहा जाता है कि इस संगम में अनेक प्रसिद्ध ग्रंथों को मान्यता दी गई थी जिनमें से एक था तमिल भाषा का सुप्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ तोलकापियम जो आज भी उपलब्ध है तीसरा संगम तमिलनाडु के वर्तमान मदुरई नगर में हुआ था और वो अधिकतम संख्या में अपने समय की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर गया था इस संगम में नक्कीरार इरयानार, कपिलार सत्तलस्तनार, तिरुवल्लुवर और परनार जैसी अनेक साहित्यिक विभूतियों ने भाग लिया था और इस संगम के फलस्वरूप हमें प्राप्त होने वाली कृतियों में से उल्लेखनीय है परिपादल अर्थात भक्ति गीतों का एक संग्रह पत्त पाटू अर्थात दस काव्य एटू तो गय अर्थात आठ संग्रह अठारह लघु शिक्षात्मक कविताएं और और मणि मणिमेकलय जैसे महाकाव्य संगम यह एक संस्कृत इस्तिला है जिसके लफ्जी मायने मिलने की जगह है हिंदुस्तानी रिवायत में इस स्थला का अक्सर इस्तेमाल दो नदियों के मिलाप के लिए किया जाता था इस लिहाज से गंगा यमुना और सरस्वती के मिलने की जगह प्रयाग यानी मौजूदा अलाहाबाद मशहूर तरीन संगम है जहां पर बारह साल में महाकुंभ मुनद होता है लेकिन तमिल अदबी रिवायत में इस अतला से मुराद तीन संगम हैं, जिसकी नशिस्त 500 सौ कबल मसीह और 500 सौ ईसवी के दरमियान कदीम पांड्या हुकूमत में हुई थी हर एक संगम मुमताज शारा और स्कॉलर पर मुश्तमल थे जो इन कामों की अदबी कदर और कीमत मुतिन करते थे जो उन्हें मंजूरी के लिए पेश किए जाते थे रिवायतों के लिहाज से पहला संगम पांड्या सल्तनत के दारुल हुकूमत मदूरा शहर में मुनदद हुआ था जिसमें दौरे कदीम के अजीम शारा जी इल्म अफराद मसलन अगस्त्या, मुरनजियर और मुदिन गरियार वगैरह ने शिरकत की थी बाद में ये सल्तनत एक समंदर में गर्क हो गई अगरचे इस संगम के बारे में कहा जाता है कि इसने अजीम क्लासिकी तख्लीक को वजूद बख्शा लेकिन बदकिस्मती से उनमें से कोई भी बाकी नहीं रही इसी तरह दूसरा संगम कपाटपुरम में मुनद हुआ था जिसमें अगस्त्या, इरंडियर और कप्पियम जैसे मुमताज़ शारा ने शिरकत की थी इस संगम के बारे में कहा जाता है कि इसमें बहुत सी मशहूर और मरूफ तख्लीक वजूद में आईं उनमें से तमिल जबानों के कवायद पर मुश्तम इलमी मकाला तोल कप्पियम आज भी मौजूद है तीसरा संगम तमिलनाडु के मौजूदा शहर मदुराई में मुनद हुआ था आने वाली नस्लों के लिए छोड़े गए उस दौर के मशहूर तरीन अदबी कारनामों में अक्सर वेशतर इसी संगम की तख्लीक है इरायनार, कपिलार, कपिल सत्तनार तिरुवल्लुवर और प्रनार जैसी अदबी शख्सियतों के कारनामे इसी संगम की रिवायत के तस्वुद से वजूद में आए जो दर्जे जैल हैं परीपादल यानी भक्ति गीतों का मजमुआ पट्टू यानी दस इडल्स एट्टू टू गे यानी आठ मजमुए पड़ी नैनकिल कनक्कू यानी अट्ठारह मुख्तसर नसीहत अमेज नजमें और रजमिया नजमें मसलन सिलपद कारम और मनी मेकले संघ द टर्म रेफर्स टू द कांग्रीगेशन टू विच द मोनेस्टिक फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा बिलोंग्ड Founded during the life of the Buddha himself, the number of these congregations increased many with the spread of Buddhism. For a person desirous of joining the Buddhist order had to swear allegiance to the Sangha along with the Buddha and the Dharma. In the view of certain authorities, these three also constitutes the three jewels of Buddhism. The membership to the sangha was open to all above the age of fifteen without social discrimination except in the case of those who suffered from infectious diseases or were criminals or slaves. In effect, the Sangha admitted persons who were physically and morally eligible to follow the supreme spiritual path that was expected of them. There was no specific pyramidal structure of the Sangha, although local congregations theoretically belonged to one universal organization. Each local congregation was governed strictly on the basis of principles that were democratic and consistent with the Vinaya. The basic rules for monks and nuns were the same, but there were also additional rules for nuns instituted to avert the entry of undesirable evils into the Sangha. The nuns formed distinct congregations, but in effect were subordinate to the congregation of monks. In the early days of the Sangha, monks and nuns moved from place to place except during the rainy season. This practice was known as Vasa. These monsoon retreats gradually became the nucleus of more permanent monastic establishments, which came to be known as the Viharas. Each Sangha was expected to meet on the 8th, 14th, and 15th days of every fortnight to recite the Dharma and also to repeat the ten vows taken at the time of their initiation into Sangha. This offered the assembled monks and nuns to confess any guilt committed in violation of those vows and other rules and regulations of the Sangha and seek redemption which was known as Patimokha. In the absence of a centralized authority of the Sangha, it sought to seek resolution of larger disputes by the convocation of General Councils whenever any such occasion arose. Page 114 संघ ये शब्द एक ऐसे संगठन का द्योतक है जिसके सदस्य बुद्ध के मठीय अनुयायी थे स्वयं बुद्ध के जीवन काल में स्थापित हो चुके इन संघों की संख्या बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ कई गुना बढ़ गई बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के इच्छुक व्यक्ति को बुद्ध और धर्म के साथ साथ संघ के प्रति भी निष्ठावान होने की शपथ लेनी होती थी कुछ विशेषज्ञों के मतानुसार ये तीनों मिलकर बौद्ध धर्म की त्रयी माने जाते हैं संघ की सदस्यता बिना किसी भेदभाव के पंद्रह वर्ष की आयु के ऊपर सभी व्यक्तियों के लिए खुली थी लेकिन जो लोग संक्रामक रोगों से ग्रस्त होते थे अथवा अपराधी या दास वर्ग के थे वे संघ के सदस्य नहीं बन सकते थे व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो संघ उन्हीं व्यक्तियों को अपना सदस्य बनाता था जो उनसे अभिप्रेत परम आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए शारीरिक और नैतिक रूप से सुपात्र थे वैसे तो संघ का कोई पिरामिडीय ढांचा नहीं था पर स्थानीय संघ सैद्धांतिक रूप से एक सार्वभौम संघ के अंग होते थे प्रत्येक स्थानीय संघ ऐसे सिद्धांतों के आधार पर शासित होता था जो लोकतांत्रिक तथा विनय संगत थे भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए निर्धारित मूलभूत नियम एक समान थे लेकिन भिक्षुणियों को कुछ अतिरिक्त नियमों का भी पालन करना होता था जिनका उद्देश्य संघ में अवांछनीय बुराइयों को आने से रोकना था भिक्षुणियों के संघ वैसे तो बिल्कुल अलग होते थे पर व्यवहारिक रूप में वे भिक्षुओं के संघ के अधीन होते थे संघ के प्रारंभिक काल में भिक्षु और भिक्षुणियां वर्षा ऋतु को छोड़कर सदा भ्रमण करते रहते थे इस पद्धति को वास कहा जाता था इन वर्षाकालीन आवासों ने शनह शनह अधिक स्थायी मठीय प्रतिष्ठानों का रूप ले लिया जिन्हें आगे चलकर विहार कहा जाने लगा प्रत्येक संघ से ये आशा की जाती थी कि वो प्रत्येक पक्ष के आठवें चौदवें और पंद्रहवें दिन इकट्ठा होकर धर्म का पाठ करेगा और संघ में दीक्षित होने के समय लिए गए दस व्रतों को भी दोहराएगा इस बैठक में इकट्ठा हुए भिक्षुओं और भिक्षुणियों को संघ के नियमों विनियमों में उनसे हुई चूक और उन व्रतों के उल्लंघन में किए गए पापों का प्रायश्चित करने तथा उनसे मुक्ति पाने का अवसर मिलता था जिसे पतिमुख कहा जाता था संघ का कोई केंद्रीकृत प्राधिकरण नहीं होने के कारण ये अपने बड़े विवादों का निपटारा सामान्य परिषदों के सम्मेलन द्वारा कराता था। संघ इस से मुराद वो इज्तिमा जिससे बौद्ध मदद के राहिब पैरोकार मुंसलिक थे बौद्ध की हयात में कायम करदा यह इज्तिमा बौद्ध मत की इशात के साथ कई गुना बढ़ता चला गया सिलसिलाए बौद्ध मत में दाखिले की ख्वाहिशमंद शख्स को बौद्ध और धर्म के साथ संघ की इतात और फर्माबरदारी का हल्फ लेना पड़ता था मखसूस अरबाब बग़ैर किसी समाजी तफरीक के पंद्रह साल की उम्र से ज्यादा सभी लोगों के लिए खुला हुआ था सिर्फ अमराज मुत आदि में मुबतला या मुजरम या गुलाम उसके कारकुन नहीं बन सकते थे नतीजतन संघ में शामिल इन अफराद से आला रूहानी तरीके पर अमल करने की तो की जाती थी जो जिसमानी और अखलाकी तौर पर अहल थे संख की कोई खास मखरूती शक्ल नहीं थी ताहम इलाकई इज्तम नज़रियाती तौर पर एक आफाक़ी तंजीम से वस्ता थे हर मकामी अज्तम उन असूलों पर सख्ती से अमल पैरा था जो जमूरी और विने पर मुश्तमिल थे राइब और राहबात के लिए बुनियादी असूल यकसा थे ताहम संग में शामिल होने की राह पर हायल खराबियों इजाले की खातिर रहाबाद के लिए मजीद जब्ते बनाए गए थे रहाबाद के इस्तेमाल यानी संग अलीहदा थे ताहम ये राहिबों के इस्तेमाल के मातहत होते थे इब्तदाई दौर में संघ से वाबस्ता राइबों रहाबाद मौसम बारा के अलावा बाकी दिनों में एक से दूसरी जगह रवा रहते थे इस अमल को वास कहा जाता था मानसून के दिनों के इस मकामात सुकूनात ने रफ्तारफ्तर मरकजी या मुस्तक की शक्ल इख्तियार कर ली जो विहार के नाम से मारूफ हुए हर हर संघ से ये की जाती थी कि हर दिन के और पंद्रहवें दिन धर्म की तिलावत और उन दस महादों के आदादी के लिए इकट्ठा हों जिनका वादा उन्होंने संघ में शमूलियत के वक्त किया था यह मुजतम होने वाले राहबों और राहबात के लिए एतराफ़ जुर्म और अगर उन्होंने किए गए मुहिदों और संघ के किसी कानून के खिलाफ वर्जी की हो तो उनके लिए माफी और निजात का मौका फराहम करता था जिसे पति मोख के नाम से जाना जाता था संघ की आदम मरकजियत की वजह से जब कभी बड़े झगड़े होते तो उन्हें आम काउंसिलों के इजलास की मदद से हल करना पड़ता था सौ क्यूलॉट्स it is a french term which during the french revolution referred to those revolutionary activists who wore pantaloons or trousers that is long pants rather than knee breeches or culottes that is a type of pant designed to cover the buttocks used by the members of the upper classes saw so, culotte comprised a major revolutionary force between 1792 to 1794 हाव एवर दिस डिस्टिंगशन इनक्लूदिंग सिग्निफाइड दैट दे बिलोंग टू दर्किंग क्लास एंड नॉट टू दूज्रेडीन सौ क्यूलॉथ ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका प्रयोग फ्रांस की क्रांति के दौरान उन क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के लिए किया जाता था जो घुटनों तक पहने जाने वाले ब्रीचेज या क्यूलॉथ की बजाय पतलून या लंबी पैंट पहना करते थे क्यूलॉथ एक तरह की पैंट होती थी जो उच्च वर्ग के सदस्यों द्वारा नितंबों से घुटनों तक शरीर को ढकने के लिए पहनी जाती थी 100 क्यूलॉथ कार्यकर्ता सत्रह सौ बानवे से सत्रह सौ चौरानवे के बीच क्रांतिकारी बलों के प्रमुख अंग थे किंतु उनका ये अलग किस्म का पहनावा स्पष्ट रूप से ये दर्शाता था कि वे श्रमजीवी वर्ग के लोग थे बुर्जवा यानी अभिजात वर्ग के नहीं सोन क्यूलॉथ ये फ्रांसीसी अतला है जिससे मुराद इनकलाबी फ़्रांस के दौरान वो सरगर्म इनकलाबी अफराद हैं जो आला तबकों के ज़रिए इस्तेमाल किए जाने वाले लिबास घुटनों से नीचे तक वाले पतलून बरी चीश या क्लोट्स यानी एक किस्म का पजामा जो कि सरीन ढाकने के लिए बनाया गया था के बरख़िलाफ पतलून ट्राउज़र यानी लंबा ज़ेर जामा पहना करते थे सैन कुलोट सत्रह सौ बयानवे से सत्रह चौरानवे के दरमियान एक बड़ी इनकलाबीवत थी ताहम लिबासों का फर्क इस बात को उजागर करता है कि उनका ताल्लुक मजदूर तबके से था बोर्जुआ से नहीं सरकार It is a word of Persian origin. In medieval India, it referred to an administrative division of a province. Also known as sikhs, the sarkars under the Delhi Sultans were constituted to facilitate fiscal administration. Under the Mughals, each province known as a suba was divided into a number of sarkars, each of which was further subdivided into parganas. यूजली अ फौजदार वॉज द मेन ऑफिसर एट द सरकार लेवल ऑल्दो द टोटल एरिया फॉर विच अ फौजदार रिमेन रिस्पॉन्सिबल वे रीड फ्रॉम टाइम टू टाइम सी ऑल्सो फौजदार सरकार ये फारसी उद्भव का शब्द है मध्यकालीन भारत में इसका तात्पर्य प्रांत के एक प्रशासनिक प्रभाग से था सिख के नाम से भी जानी जाने वाली ये सरकारें दिल्ली सुल्तानों के शासन में राजकोषीय प्रशासन को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित की गई थीं मुगलों के शासनकाल में प्रत्येक प्रांत जिसे सूबा कहा जाता था अनेक सरकारों में बंटा हुआ था और फिर प्रत्येक सरकार परगनों में उपविभाजित थी सरकार के स्तर पर आमतौर पर फौजदार प्रमुख अधिकारी होता था किंतु एक फौजदार कुल मिलाकर जितने क्षेत्र के लिए जिम्मेदार था वो समय समय पर बदलता रहता था फौजदार भी देखें। सरकार ये असल में फारसी लफ्ज है अहदोवस्था के हिंदुस्तान में इससे मुराद सूबे की एक इंतजामी इकाई थी इसे सिख के नाम से भी जाना जाता था जिसकी तश्किल सलातीन दहली के अहद में माली निजाम में सहूलत के पेश नजर हुई थी मुगल दौर में हर सूबे को सरकार और सरकार को परगनाओं में तकसीम किया जाता था आम तौर पर सरकार में सबसे बड़ा अफसर फौजदार होता था ताहम फौजदार के सुपुर्द इलाके वक्त के साथ साथ बदलते रहते थे मजीद देखें सार्थवाह दिस इज अ संस्कृत टर्म यूज फ्राम सिर का लेट फर्स्ट मिलेनियम बी सीई ऑनवर्ड्स टू रेफर टू द लीडर ऑफ अ मर्चेंट कैरवन द सार्थवाह इज मैंशनड इन नेरेटिव एंड इंस्क्रिप्शन एंड एन्जॉयड कंसिडरेबल सोशल प्री एमिनस सार्थवाह संस्कृत भाषा के सार्थवाह शब्द का प्रयोग पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के परवर्ती काल से व्यापारी काफिले के मुखिया के लिए किया जाता था अनेक कथाओं तथा अभिलेखों में सार्थवाह का उल्लेख मिलता है उसे समाज में पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त थी सार्तवाह यानी तिजारती काफिले का अमीर इस संस्कृत इतला का इस्तेमाल पहले हजारे सदी कबल मसीह के बाद तिजारती काफिलों के अमीर के लिए किया गया सार्थवा का तस्करा रिवायतों और कुतबों में भी मिलता है उसे समाज में गैर मामूली अहमियत हासिल थी Satyagraha. The term is made up of two Sanskrit words, Satya and Agraha, which taken together means a conscious striving for truth. As a concept, it was evolved by Mahatma Gandhi during his struggle against racial discrimination in South Africa. Subsequently, it became the mainstay of India's struggle for freedom. As an idea, it suggested that if the cause was true and the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. It was through the power of truth alone that a satyagrahi could win the battle without seeking vengeance or being violent or aggressive. Satyagraha. यह शब्द संस्कृत के दो शब्दों सत्य और आग्रह के मेल से बना है जिसका अर्थ है सत्य के लिए सोच समझ कर लगातार प्रयत्न करना एक संकल्पना के रूप में इसका विकास सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में जातीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करते हुए किया गया था आगे चलकर ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य आधार बन गया विचार के रूप में इसका उद्देश्य यह दर्शाना था कि यदि कारण सही हो और संघर्ष अन्याय के विरुद्ध हो तो फिर अत्याचारी से मुकाबला करने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती सत्याग्रही सत्य की शक्ति के माध्यम से ही प्रतिशोध की भावना या हिंसापूर्ण अथवा आक्रमणकारी उपायों का सहारा लिए बिना संघर्ष में सफल हो सकता है सत्याग्रह ये स्थला दो संस्कृत अल्फाज सत्या और ग्रह से मिलकर बनी है जिसके मायने शूरी तौर पर हक की तलाश है महात्मा गांधी ने जुनूबी अफ्रीका में नस्ली असबियत के खिलाफ अपनी जद्दोजहद के दौरान इसे एक तसवुर की हैसियत से फरोग दिया था बाद में हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जारी जद्दोजहद का यह एक असल मोहरक बन गया एक नज़रिए के तौर पर इसमें यह मशवरा दिया गया था कि अगर सबब दुरुस्त और जद्दोजहद नासाफी की मुखालफत में है तो जाबिरों के खिलाफ लड़ाई के लिए जिस्मानी ताकत का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है सिर्फ सच्चाई ही वाहिद ताकत है जिसकी बदौलत सत्याग्रही मुतद्दे दिया जा रहे हुए बगैर अपनी जद्दोजहद में कामयाब हो सकता है सवार अंडर द Delhi Sultans एंड द मुगल्स द टर्म referred टू अ हॉर्समैन enlisted for फॉर फाइटिंग अंडर द मंसबदारी सिस्टम द टर्म ऑल्सो रेफर्ड टू अ रैंक ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हॉर्समैन विच अ मंसबदार हैड टू मेंटेन सी ऑल्सो मनसबदारी सिस्टम पेज वन हंड्रेड सिक्सटीन सवार दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के शासनकाल में ये शब्द लड़ाई करने के लिए सूचीबद्ध एक घुड़सवार का सूचक था मनसबदारी प्रणाली के अंतर्गत इस शब्द का तात्पर्य एक ऐसे ओहदे से था जो किसी मनसबदार को उन घुड़सवार सैनिकों की संख्या के आधार पर दिया जाता था जिन्हें उन्हें रखना पड़ता था मनसबदारी प्रणाली भी देखें सवार सलातीने दहली और मुगलों के दौर में इस इश्तेह से मुराद जंग में लड़ने वालों की फहरिस्त में दर्ज घोड़सवार हैं इस इज्तला से मुराद मनसबदारी निजाम के तहत सवारों की तादाद की बुनियाद पर कायम करदा एक भी है जिसका अहतमाम मनसबदार को करना पड़ता था मजीद देखें मनसबदारी सेकेंडरी सोर्स अ सेकेंडरी सोर्स इज अ सेकेंड हैंड अकाउंट अबाउट पीपल इवेंट्स और प्लेसेज इट इज नॉट बेस्ड ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन सेकेंडरी सोर्सेज सिंथेसाइज एनालाइज इंटरप्रेट और इवेलुएट प्राइमरी सोर्सेस एट टाइम्स टू प्राइमरी सोर्सेस इन द कॉन्टेक्स दर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इवेंट और पीरियड अंडर स्टडी द्वितीय स्रोत द्वितीय स्रोत लोगों घटनाओं और स्थानों का बाद में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया विवरण होता है यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित नहीं होता द्वितीय स्रोत प्राथमिक स्रोतों का संश्लेषण विश्लेषण व्याख्या और मूल्यांकन करते हैं वे कभी कभी किसी विशेष अध्ययनाधीन सूचना घटना या अवधि के संदर्भ में प्राथमिक स्रोतों पर टीका टिप्पणी भी साथ में जोड़ देते हैं सानवी माखिज़ सानवी माखिज़ आवाम वाकयात या मकामात के बारे में दूसरों के जरिए बयान करदा तफसीलात पर मुश्तम होता है ये बरह रास्त मुशाहे पर मुबनी नहीं होता सानवी माखज बुनियादी माखजों की तखलीस, तज् तशरी या उसकी कदर अहमियत की तशीस पर मुश्तल होता है मखसूस इतला वाक़ या जेर मुताल दौर के सियाक में कभी कभी बुनियादी माखजों पर तबसरे को भी शामिल कर देते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट It refers to a system of representation under which special electorates are constituted for different social groups, that is, communities, classes, for the election of one of their members to the legislatures. As opposed to these, the constituencies from where anyone could be elected to the legislatures are called general electorates. In India, separate electorates were introduced by the Indian Councils Act of 1909, which is popularly known as the Morley Minto reforms, after the names of the Secretary of State John Morley and the Viceroy Lord Minto, to give exclusive communal representation to the Muslims in the central and the provincial legislatures. By this so called reform, as Jawaharlal Nehru remarked, the British created a political barrier around.

इसके विपरीत उन निर्वाचन मंडलों को सामान्य निर्वाचन मंडल कहा जाता है जहां से मंडलों के लिए किसी को भी चुना जा सकता है भारत में अलग निर्वाचन मंडल भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिसे उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन मॉर्ले और वॉयस लॉर्ड मिंटो के नाम पर आमतौर पर मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है के द्वारा लागू किए गए थे इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में अलग से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था इसके संबंध में जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि ब्रिटिश शासन ने इस तथाकथित सुधार के द्वारा मुसलमानों के चारों ओर एक राजनीतिक अवरोध उत्पन्न कर दिया है जिसकी वजह से वे शेष भारत से अलग थलग पड़ गए हैं और इस प्रकार भारत में जो एकीकरण और समामेलन की प्रक्रिया सदियों से चल रही थी उसे उलट दिया गया है जुदा गाना इंतखाबी हल्का इससे मुराद नुमाइंदगी का एक ऐसा निज़ाम है जिसके तहत मुख्तलिफ समाजी गिरहों यानी कौम तबका के लिए मखसूस हल्का इंतख्य की तश्क़ील दी जाती है ताकि वो मजलिस कानून साज के अरकान में अपना नुमाइंदा मंतखब कर सके इसके बरक्स इन इंतखबी हलकों को आम इंतबात के नाम से जाना जाता है जहाँ से कोई भी मजलिस क़ानून का नुमाइंदा मंतखब हो सकता है हिंदुस्तान ने 1909 के हिंदुस्तानी काउंसिल एक्ट के ज़रिए मरकज़ी और सूबाई मजलिस कानून साज में इस इसी तौर पर इस गिरोही नुमाइंदगी के लिए मुस्लिम नुमाइंदा मुंतब करने के लिए जुदा गाना इंतखब मुतारफ हुआ था जिसे असलाहत मौर मिन्टो के नाम से जाना जाता था रियासत के सेक्रेटरी जॉन मौरले और वाइस रॉय लॉर्ड मिंटो के नाम पर इसका नाम इसलाहत मौर मिंटो रखा गया था ये बरए नाम इसलाह थी जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने निशानदेही की के, बरतानिया ने बकिया हिंदुस्तान से मुसलमानों को अलग करके एक सियासी रुकावट पैदा की और उसी वजह से समाजी इतिहाद व इतफ़ाक़ का अमल जो कि सदियों से जारी था मसदूद हो गया शिफाई स्कूल ऑफ़ लॉ इट वाज़ वन ऑफ़ द्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ एंड वॉज फाउंडेड बाई मोहम्मद इबन इदरीस अलशफ़ी दैट इज़ सेवन 820 से Al Shafi was a pupil of Malik ibn Anas, that is, circa 715 to 795 CE, of Medina, who was the compiler of the oldest corpus of the Islamic law known as Al Mubatta. Al Shafi's contribution to Islamic jurisprudence lay in carving out a middle path between the Maliki and the subsequent Hanafi schools. Baghdad, that is Iraq, and Cairo, that is Egypt, were the chief centers of Shafite school from where it spread to other parts of the Islamic world. Qanun ka Shafai Silsila ये इस्लामी कानून की चार विचारधाराओं में से एक था जिसकी स्थापना मोहम्मद इब्न इदरीस अल सड़सठ से आठ से 820 ईस्वी द्वारा की गई थी अल शफाई मदीना के मालिक इब्न अनस अर्थात 715 से सात ईस्वी का शिष्य था जो इस्लामी कानून की प्राचीनतम संहिता अलमुअ्ता का संकलन करता था इस्लामी न्याय शास्त्र को अल शफाई का मुख्य योगदान यह था कि उसने मालिकी और परवर्ती हनफी विचारधाराओं के बीच एक मध्यवर्ती मार्ग निकाला था बगदाद अर्थात इराक और कैरो अर्थात मिस्र शाफाई विचारधाराओं के मुख्य केंद्र थे जहां से वो इस्लामी दुनिया के अन्य भागों में फैला पेज 117 शाफी मसलक। यह इस्लाम के चार फ़िकी मसलकों में से एक है और इसकी बुनियाद मोहम्मद बिन इदरीस अल सात सौ अड़सठ त आठ सौ बीस ईस्वी ने रखी थी ये मदीने के रहने वाले मलिक बिन अनस सात सौ पंद्रह त सात सौ पचानवे ईस्वी के शागिर थे जिन्होंने हदीस की कदीम तरीन किताब अलमात्ता तालीफ की इस्लामी फ़िके में शाफ़ी की ख़िदमत ये है कि उन्होंने मलिकी और हनफी मसलक के दरमियान एक मुतवासित राह निकाली बगदाद यानी इराक और काहिरा यानी मिस्र शाफी मसलक के बड़े मराक थे जहां से ये मसलक इस्लामी दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैला। शैविज्म इट रेफर्स टू दैट रिलीजियस ट्रेडिशन इन इन विच शिवा इज वर्शिप्ड एज द सुप्रीम गॉड दिस ट्रेडिशन हैज बिन कमिंग डाउन इन इंडिया सिंस वेरी एंशंट टाइम्स देयर आर स्पेसिफिक रेफरेंसिस टू शिवा इन द वैदिक लिटरेचर Even the famous Pashupati seal of the Harappan civilization is interpreted by some scholars as representing Shiva. In later Hinduism, Shiva was considered to be one of the holy trinity and was held as the destroyer. However, for the worshippers of Shiva, known as the Shiva, he is not only the destroyer, but also the creator and the preserver of all that exists. Shiva is commonly worshipped in the form of Linga or Lingam, that is, an elongated, circular black stone in the center of a circle. Though he is also worshipped in the form of images. Two ascetic Shiva sects, which have gained prominence in India, are Kapalika and the Kalamukha sects. In South India, the Shivas are known as the Alavars. Shiva Dharma. ये हिंदू धर्म की उस धार्मिक परंपरा का सूचक है जिसमें शिव को परमेश्वर के रूप में पूजा जाता है भारत में यह परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है वैदिक साहित्य में शिव का विशिष्ट उल्लेख मिलता है यहाँ तक कि कुछ विद्वान हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध पशुपति मुद्रा पर शिव का ही चित्रण मानते हैं परवर्ती हिंदू धर्म में शिव को पवित्र त्रिमूर्ति में से एक संहारक के रूप में माना गया है किंतु शिव के उपासक जिन्हें शैव कहा जाता है ये मानते हैं कि शिव केवल संहारक ही नहीं बल्कि इस विश्व में जो कुछ भी विद्यमान है उसके सृजनकर्ता और प्रतिपालक भी हैं शिव को सामान्य रूप से लिंग अर्थात एक वृत्त के बीच स्थित लंबा गोलाकार काला पत्थर के रूप में पूजा जाता है हालांकि प्रतिमा के रूप में भी उनकी पूजा की जाती है शैव धर्म के जिन दो संप्रदायों ने भारत में प्रमुखता प्राप्त की वे कापालिक और कालमुख हैं। दक्षिण भारत में शैवों को आलवार कहा जाता है शिव मत हिंदू मत में इससे मुराद वो मजहबी रिवायत है जिसमें शिव की प्रस्तिष्ठ सबसे आला देवता के तौर पर की जाती है हिंदुस्तान में कदीम जमाने से ही ये रिवायत चली आ रही है वैदिक अदब में शिव के मखसूस हवाले मिलते हैं यहां तक के बाद स्कॉलरों के मुताबिक हड़प्पाई तहजीब की मशहूर पशुपति मोहर पर शिव की तस्वीर थी बाद के हिंदू मत में ने सलासा में शिव को भी शामिल और तबाकार तस्लीम कर लिया गया शिव के पुजारी शैफ के तौर पर जाने जाते हैं जो शिव को न सिर्फ तबाकार बल्कि तमाम मखलूकाल और मुहाफ़ भी तस्लीम करते हैं शिव की प्रस्तिष आमतौर पर लिंगा या लिंगम यानी दायरे के बीच में सिया रंग का तवील गोल पत्थर की शक्ल में की जाती है ताहम उसकी पूजा तस्वीरों की शक्ल में भी की जाती है शिवमत के जिन दो फिरकों को हिंदुस्तान में मकबूलियत हासिल हुई वो कपालिक और कालमुख हैं जुनूबी हिंदुस्तान में शिव के पैरोकार अलवार के नाम से जाने जाते हैं शरिया शरियत It is an Arabic term that refers to the Muslim religious law and is based on the Quran and the Hadith. See also Hadith. Sharia, Shariat. ये एक अरबी शब्द है जो मुसलमानों के मजहबी कानून का सूचक है और कुरान तथा हदीस पर आधारित है हदीस भी देखें शरिया शरीयत ये अरबी इतलाह है जिससे मुराद मुसलमानों के मजहबी कवानीन हैं जिनकी बुनियाद कुरान और हदीस पर है मजीद देखें हदीस शिकस्ता The term refers to a form of cursive writing wherein the natural pauses, that is, gaps between letters and words, used to be joined by the calligrapher, making it a unique style. As opposed to the Nastaliq style, it was a much denser and more difficult form to execute and read. Shikasta ये शब्द प्रवाही लेखन की उस शैली का सूचक है जिसमें लेखक द्वारा वर्णों तथा शब्दों के बीच के स्वाभाविक विराम को जोड़ दिया जाता था जिससे एक बेजोड़ शैली बन जाती थी नस्तलिख शैली के विपरीत यह शैली अधिक घनी होती थी और लिखने पढ़ने में अधिक कठिन होती थी शिकस्ता इस, इस मुराद शिकस्ता तर्ज तहरीर है जिसमें हरूफ और अल्फाज के दरमियान पाए जाने वाले फितरी फासले को नहायत खूबसूरत बनाने के लिए खुशनवीस जोड़ देता था नस्तलक़ के बरखिलाफ ये तर्ज तहरीर बहुत गंजलिक नेस पढ़ने और समझने में ज्यादा मुश्किल था श्वेतम्बर दिस इज अ संस्कृत वर्ड विच लिटरली मीन्स द वाइट क्लैड इट वॉज यूज टू रेफर टू वन ऑफ द टू प्रिंसिपल जेनासिक्ड्स हुज मेम्बर्स वोर वाइट क्लोथ्स According to early Jaina accounts, a split occurred in the 4th century BCE when the monks led by Bhadrabahu migrated to the south, that is .e. Karnataka, following a disastrous famine in the north, retained the tradition of not wearing any cloth. However, the monks who led by Sthulabhadra did not migrate to south, took to wearing white clothes and hence came to be known as the Shvetambars. द श्वेतांबर्स रिकोगनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ कनोनिकल टेक्स्ट द ट्वेल्व अंगर्स एंड बिलीव्ड दट विमेन टू कुड अटेन साल्वेशन सी ऑल्सो दिगंबर पेज वन हंड्रेड एटीन श्वेताम्बर ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सफेद कपड़े पहनने वाला ये जैन धर्म के दो मुख्य पंथों में से एक का सूचक है जिसके सदस्य सफेद कपड़े पहनते थे जैन धर्म के प्रारंभिक विवरणों के अनुसार जैन धर्म का विभाजन चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ जब उत्तर भारत में घोर अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ भिक्षु दक्षिण भारत अर्थात कर्नाटक चले गए उन्होंने वस्त्र ना पहनने की परंपरा को अपनाए रखा किंतु स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो भिक्षु उत्तर में रहते रहे उन्होंने सफेद वस्त्र पहनना शुरू कर दिया और इसलिए वे श्वेतांबर कहलाने लगे श्वेतांबर धार्मिक नियम ग्रंथों बारह अंगों के अस्तित्व को मानते हैं उनके विचार से स्त्रियां भी मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं दिगंबर भी देखें श्वेतांबर ये संस्कृत लव्ज है जिसके मायने सफेद पोश है इसका इस्तेमाल जैन मत के दो बुनियादी में से एक को बयान करने के लिए किया गया था जिसके अरकान सफेद लिबास पहनते थे इब्तदाई जैनी बयान के मुताबिक चौथी सदी कबल मसीह जैन मत में उस वक्त तफरका पैदा हुआ जब भद्र की क्यादत में जैनी भिक्षुओं ने शुमाली हिंद में कहत पड़ने की वजह से जुनूबी हिंदुस्तान यानी कर्नाटक हिजरत कर गए और कपड़े ना पहनने की रिवायत पर अमल किया इसके बरखिलाफ़ जो भिक्षु स्थुल भद्र की क्यादत में शुमाल में ही रुके रहे उन्होंने सफ़ेद लिबास पहनना शुरू कर दिया इसलिए उन्हें श्वेतांबर कहा जाने लगा श्वेतांबर मजहबी कानून के मतून और बारह अंगों को तस्लीम और इस बात पर यकीन करते हैं कि खातन भी निजात हासिल कर सकती हैं मज़ीद देखें दिगाम्बर सचता The term literally means prostration. It was a form of salutation which, along with paibos, that is, the kissing of the monarch's feet, had been introduced by Balban in his court to emphasize his superiority over his nobles. This and many other ceremonies, which were Iranian in origin, were, however, considered un Islamic. द प्रैक्टिस वॉज एबॉलिस्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां हु इंस्टेट इंट्रोड्यूस्ड एन अदर फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन कॉल्ड बोस दैट इज किसिंग द ग्राउंड हाउएवर बोथ दीज फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशंस वर अल्टीमेटली रिप्लेस्ड बाय द प्रैक्टिस ऑफ चहार तस्लीम एज अ शो ऑफ रिस्पेक्ट टूवर्ड्स द एम्पर सी ऑल्सो चहार तस्लीम सचदा इसका शाब्दिक अर्थ है दंडवत प्रणाम ये अभिवादन की एक ऐसी शैली थी जिसे बलबन ने पाइबोस, अर्थात बादशाह के पांव चूमना के साथ ये दर्शाने के लिए लागू किया था कि बादशाह सदैव अपने अमीरों से बड़ा होता है किंतु ये और बहुत सी रस्मों को जो मूल रूप से ईरानी थी इस्लाम विरुद्ध माना जाता था शाजहां के शासनकाल में इस शैली को खत्म कर इसके स्थान पर अभिवादन की एक अन्य शैली को लागू किया गया जिसे जमी बोस अर्थात जमीन को चूमना कहा जाता था किंतु अंत तो इन दोनों ही शैलियों के बदले एक तीसरी शैली चाहार तस्लीम को बादशाह के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए अपना लिया गया चहार तस्लीम भी देखें सजदा इस अलाह के लफ्जी मायने जमीन पर माथा टेकना है ये तस्लीमात का एक तरीका था जिसे बलबन ने आमरा पर अपनी हाकमियत को उजागर करने के लिए अपने दरबार में कदम बोसी यानि सुल्तान की कदम बोसी के साथ शुरू किया था लेकिन दीगर ईरानी अलसल तकरीबा की तरह इसे भी गैर इस्लामी समझा जाता था ये रिवायत शाहजहां के दौर में खत्म हो गई शाहजहां ने इसकी जगह तस्लीमात का दूसरा तरीका जमीन बोसी यानी जमीन को चूमना शुरू किया था लेकिन आखिर में बादशाह की ताजीम और तकरीम को जाहिर करने के लिए मजकूरा दोनों तरीकों को चाहर तस्लीम से बदल दिया गया मजीद देखें चाह तस्लीम सिल्क रूट इट रेफर्स टू अटवर्क ऑफ मेनली एंशंट ओवरलैंड But some maritime trading routes beginning from China, passing through Central Asia, and culminating in the Mediterranean. It linked China and the Mediterranean world from the 2nd century BCE onwards and took its name from the silk that was a major Chinese trade item carried through this route. The silk route was used to transport horses and other trade goods as well. However, not just goods but cultural transmissions also took place along this route. For instance, it was by this route that Buddhism reached Central Asia and beyond. The word Silk Road or Silk Route was coined by Ferdinand von Richthofen, a German traveller and geographer. रेशम मार्ग इस शब्द का तात्पर्य मुख्य रूप से उन प्राचीन स्थलीय मार्गों और कुछ समुद्री मार्गों के जाल से है जो चीन से शुरू होकर मध्य एशिया से गुजरते हुए भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जाकर समाप्त हो जाता था दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से इस मार्ग ने चीन को भूमध्य सागर से जोड़े रखा उन दिनों इस मार्ग से व्यापार की प्रमुख वस्तु रेशम था इसलिए इसे रेशम मार्ग नाम दिया गया इस मार्ग से घोड़े और अन्य व्यापारिक वस्तुएं भी ले जाई जाती थीं। इतना ही नहीं इस मार्ग से सांस्कृतिक आदान प्रदान भी खूब हुआ उदाहरण के लिए यही वो रास्ता था जिससे होकर बौद्ध धर्म मध्य एशिया और उससे भी आगे पहुंचा। एक जर्मन यात्री और भूगोलविद फर्डिनेंड वॉन रिक्थोफेन ने सर्वप्रथम इस मार्ग को सिल्क रोड या सिल्क रूट नाम दिया था शाहिरा रेशम इससे खास तौर पर कदीम ब्री तजारती रास्तों का एक जाल मुराद लिया जाता है लेकिन इसके कुछ हिस्से समुंदर से भी होकर गुजरते हैं ये शाहरा चीन से शुरू होकर वस्त एशिया के रास्ते बाहराह रोम तक फैला हुआ था इसने चीन को बाहरा रोम के करीबी मुल्कों से दूसरी सदी कबल मसीह के बाद से ही जोड़ रखा था और इस रास्ते का नाम रेशमी इसलिए पड़ा कि रेशम चीन का सबसे बड़ा तजारती सामान था जो इसी शाहरा के जरिए लाया जाता था घोड़ों और दीगर तजारती सामान के तबादले के लिए भी इसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाता था इस रास्ते से न सिर्फ सामानों की तिजारत होती थी बल्कि तहजीबों का तबादला भी इसी रास्ते से हुआ मिसाल के तौर पर इसी रास्ते से होकर बौद्ध मत एशिया और उससे आगे पहुंचा लफ्ज रेशमी रास्ता या शाराहे रेशम को जर्मन सिया व जोग्राफिया फर्डिनेंड वॉन रिक्सोफन ने वाजे किया था पेज वन हंड्रेड नाइनटीन सिरा सीरत इट इज एन अरेबिक वर्ड एंड यूज टू डिस्क्राइब द बायोग्राफी ऑफ प्रॉफ़िट मोहम्मद दैट इज सिरा ए मोहम्मद द फर्स्ट सिरा ऑफ मोहम्मद वॉज ऑ थर्ड बाय इब्न इसहाक अंडर द टाइटल सीरत रसूल्लाह विच नॉट ओनली एस्टैब्लिश्ड द जॉनर ऑफ राइटिंग सीक्रेट बायोग्राफीज इन इस्लाम बट ऑल्सो शेड लाइट ऑन द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड अप टू द प्रॉफिट सिरा सीरत ये एक अरबी शब्द है और इसका प्रयोग पैगम्बर मोहम्मद की जीवनी अर्थात सीरत मोहम्मदी का वर्णन करने के लिए किया जाता है सीरत रसूल अल्लाह शीर्षक से इब्ने इसहाक द्वारा लिखी गई मोहम्मद की पहली से रहने न केवल इस्लाम में पवित्र जीवन कथा लिखने की शैली स्थापित की बल्कि पैगंबर के आगमन तक के विश्व के धार्मिक इतिहास पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला सीरा सीरत ये अरबी लफ्ज़ है और इससे मुराद पैगंबर मोहम्मद वसल्लम की सवान हयात यानी सीरत मोहम्मदी है मोहम्मद अलैहि वसल्लम की सबसे पहली सीरत इब्ने इसहाक ने सीरत रसूलुल्लाह के नाम से लिखी जिससे ना सिर्फ इस्लाम में मुकद्दस सवाने लिखने की शुरुआत हुई बल्कि पैगंबर मोहम्मद तक दुनिया की मजहबी तारीख पर भी रोशनी पड़ती है सोशलिज्म The term refers to that political and economic philosophy which advocates the ownership and control of all economic resources and means of production for the establishment of equality in society and to replace individual greed and profit motive with concern for collective well being. Advocates of this philosophy, like Saint Simon, Proudhon, and Karl Marx, are known as socialists. Whereas the first two are regarded as utopian socialists, the latter placed it in the intermediate phase of social development between capitalism and full fledged communism. However, socialism has worked much differently from the way in which it was envisioned by these socialists. In most cases socialism has found popular support in democratic systems where its goals of ending the class systems and exploitation still remains unfulfilled Samajwad इस शब्द का तात्पर्य एक ऐसे राजनीतिक तथा आर्थिक दर्शन से है जो इस बात का समर्थन करता है कि समाज में समानता की स्थापना करने और व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर सामूहिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सभी आर्थिक संसाधनों और उत्पादन के साधनों का स्वामित्व तथा नियंत्रण आम जनता के हाथों में होना चाहिए सेंट साइमन प्रद्यो और कार्लमार्क्स जैसे इस चिंतन के समर्थकों को समाजवादी कहा जाता है इनमें से पहले दो को काल्पनिक अर्थात यूटोपियन समाजवादी माना जाता है जबकि मार्क्स ने इसे अर्थात समाजवाद को पूंजीवाद और पूर्ण विकसित साम्यवाद के बीच सामाजिक विकास की मध्यवर्ती अवस्था बताया है किंतु इन समाजवादियों की सोच से अलग समाजवाद का बहुत भिन्न रूप सामने आया अधिकांश मामलों में समाजवाद को लोकतांत्रिक प्रणालियों में आम समर्थन मिला किंतु वहां वर्ग व्यवस्था और शोषण को समाप्त करने से संबंधित उसके लक्ष्य आज भी पूरे नहीं किए जा सके हैं इज्तमालत इस इस्तिला से मुराद एक सियासी व अकतसादी फ़लसफा है जिसमें समाजी मसावत को कायम रखने और इनफरादी हिरसो मफाद को इज्तमाही फ़लाह से बदलने के लिए तमाम तर इकत वसाइल और जराय पैदावार का अवामन्नास के हाथों में होने की वक़ालत की गई है इस फलसफे की वकालत करने वाले सेंट साइमन प्रुधो और कार्ल मार्क्स को कहा जाता है अलबत् जिक्र दो लोगों को यूटोपियाई कहा जाता है जिक्र यानी कार्ल मार्क्स ने समाजी तरक्की में सरमादारी और मुकम्मल तरक्की याफ्तक कम्युनिज्म के दरमियान दौर को अश्तराकीत का ज़माना बताया है लेकिन अश्तराकीत ने उन शराकियों के बताए हुए तरीक़ों से बहुत मुख्तलिफ काम अंजाम दिया है बहुत से मसाइल में इस को जमूरी निज़ाम में आम हिमायत मिली लेकिन वहां भी तबकाती निज़ाम और इस्तेसाल के खात्मे जैसे मकाजद हनूस पाया तकमील को नहीं पहुँच सके श्रेष्ठन The term was used in general sense in the later vedic texts but acquires a specific meaning in later inscriptions and literary texts where it connotes a trader or a merchant the term also came to refer to a city based wealthy man treasurer or moneylender they were influential powerful people in society having access even to the kings in south india they are referred to as chetti in tamil language Shesdhan. उत्तर वैदिक ग्रंथों में इस शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ में किया गया था लेकिन परवर्ती अभिलेखों और साहित्य ग्रंथों में इसका प्रयोग एक व्यापारी या सौदागर के अर्थ में किया जाने लगा बाद में इसका प्रयोग नगरवासी धनवान व्यक्ति खजांची या साहूकार के लिए भी होने लगा ये लोग समाज के प्रभावशाली और शक्ति संपन्न सदस्य थे जिनकी पहुंच राजाओं तक होती थी दक्षिण भारत में इन्हें तमिल भाषा में चेट्टी के नाम से उल्लेखित किया गया है श्रेष्ठिन माबाद वेदिक अहद के मुतून में इस इतलाह का इस्तेमाल आम मफहूम में किया गया लेकिन बाद के कुतबों और अदबी मतनों में इसके खास मायने सौदागर या ताजिर कर दिए गए इस अतला का इस्तेमाल शहर में रहने वाले मालदार शख्स और खजानची या साहूकार के लिए भी किया जाता है ये लोग समाज के बारसुख और बासर लोग थे जिनकी दस्तरस बादशाहों तक भी होती थी जुनूबी हिंदुस्तान में तमिल जबान में इन्हें चेट्टी कहा गया है द टर्म रेफर्स टू द स्टडी ऑफ स्ट्रेटा और अर्थ When archaeological sites are excavated, it's not just to see what they contain, but rather also to uncover their stratigraphic context. The basic principle of stratigraphy is that in the absence of structural upheavals, upper layers are more recently formed than those beneath. In a stratigraphic or soil profile, each layer can be seen to be different in terms of soil color, type, and particle size. Stratigraphy is the basis of reconstructing the history of an archaeological site. If the layers excavated contain objects, the archaeologist can be sure that those from a single layer belong together and are approximately the same period. Page 120. Star Vinyas Is Shabdhika Tat Parre Prithvi ke जब पूरा स्थलों की खुदाई की जाती है तो सिर्फ इतना ही नहीं देखा जाता कि उनमें क्या मिला है बल्कि उनके स्तर विन्यास को भी उखाड़ कर जाना जाता है स्तर विज्ञान का मूल सिद्धांत ये है कि संरचनात्मक उथल पुथल के अभाव में ऊपरी सतहें नीचे की सतहों की तुलना में अधिक हाल में बनी है भूमि के स्तर विन्यास का अध्ययन किया जाए तो ये देखने में आएगा कि प्रत्येक सतह मिट्टी के रंग प्रकार और कणों के आकार की दृष्टि से दूसरी सतहों से भिन्न होगी स्तरों का अध्ययन किसी पुरातात्विक स्थल के इतिहास के पुनर्निर्माण का आधार होता है यदि खुदाई की गई सतहों में कुछ वस्तुएं पाई जाएं, तो वैज्ञानिक को ये जानने में देर नहीं लगेगी कि एक ही स्तर में पाई जाने वाली चीज़ों का समय भी लगभग एक समान ही होगा तबकात शनासी जमीन के सतहों या परत के मुताले को तबकात शनासी कहते हैं जब मकाम आसार कदीमिया की खुदाई की जाती है तो सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि उसमें क्या है बल्कि तबक़ात शनासी के जरिए उनके सियाह को भी आश्कार किया जाता है तबक़ात शनासी के बुनियादी असूल के मुताबिक अगर सख्तियातीथल पुथल ना हुई हो तो ऊपरी सतह की तश्कील का ज़माना यह निचली सतह की बनस्बत ज़्यादा क़रीब होता है तबक़ात शनासी या मिट्टी के तारुफ़ी कवायफ में आप देखेंगे कि हर सतह पर मिट्टी का रंग जर्रों का साइज़ और उसकी किस्में मुख्तलिफ होती हैं तबकात शनासी मकाम आसार कदीमिया की अजसार नौ तारीख़ नवीसी के लिए बुनियाद की हैसियत रखती है अगर खोदी गई सतहों से सामान बरामद हो तो तबकात शनास को यकीन हो जाता है कि सतह के समान तकरीबन एक ही मुद्दत के होंगे स्त्री धन इट इज अ संस्कृत टर्म विच लिटरली मीन्स अ वुमेन्स वेल्थ इट वॉज यूज इन द धर्म शास्त्र टेक्स्ट दैट इज लेट फर्स्ट मिलेनियम बी ऑनवर्ड टू रेफर टू सर्टन काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गिवन टू अ वूमेन ऑन वेरियस ओकेजन ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम These included presents, that is, jewellery, clothes, household articles, etc., given by her parents at the time of marriage and by her relatives, that is, father, brothers, etc., on other occasions. On the woman's death, this wealth was to be passed on to her children. The husband's claim over this form of wealth was limited. Sridhan. Ye Sanskrit Bhashaka Shabdha, Jiskashabdekarthe, Strika Dhan Yasampati. धर्मशास्त्रों में अर्थात पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व से इस शब्द का प्रयोग सामान्यतः कुछ खास किस्म की चल संपत्ति अर्थात गहने कपड़े घरेलू सामान आदि के लिए किया जाता था जो समय समय पर स्त्री को दी जाती थी जिसमें माता पिता द्वारा विवाह के समय और संबंधियों अर्थात पिता भाई आदि द्वारा अन्य अवसरों पर दी जाने वाली वस्तुएं भी शामिल थी स्त्री की मृत्यु के बाद यह धन उसके बच्चों को मिलता था ऐसी संपत्ति पर उसके पति का दावा सीमित था स्त्री धन यह एक संस्कृत इस्तिला है जिसके लघवी मायने खातन की दौलत है इसका इस्तेमाल धर्मशास्त्रों के मतून यानी पहले हजारे कबल मसीह के अवाखिर में कुछ मखसूस किस्म की मनकूला जायदाद के लिए किया जाता था जो औरत को उसकी जिंदगी में वक्तन फ़वक्तन दी जाती थी इनमें शादी के मौके पर वालदी की जानब से जेवर मलबूसात घरेलू साजो सामान वगैरह और दूसरे मौाक़ पर रिश्तेदारों यानी वालिद, भाई वगैरह की तरफ से दिए गए साजो सामान शामिल थे औरत की मौत के बाद ये जायदाद उसके बच्चों के हवाले कर दी जाती थी इस तरह के जायदाद पर शोहर का दावा महदूद था This is a Sanskrit word which literally means mound. It generally refers to Buddhist semi-circular structures of earth, bricks, or stones built over relics, that is, such as. Teeth or bone part of the Buddha or of revered monks or articles used by them. The stupa is usually associated with the Theravada school of Buddhism, that is, Hinayana Buddhism. The stupa originated as a simple earthen mound, that is, under, which was later encased with brick or stone. Above the under was the harmika, a small balcony like structure. Arising from within the harmika was a mast called the yashti, often surmounted by a chhatri or umbrella. The dome was often surrounded by a circumambulatory path provided with railings and gateways. All the stupas did not contain relics, but rather many of them were commemorative of events. Some of the earliest existing stupas belong to the Maurya period, that is, circa third century C.E.

ये शब्द आमतौर पर बौद्ध धर्मावलंबियों द्वारा मिट्टी ईंट और पत्थरों से निर्मित अर्धवृत्ताकार संरचनाओं का सूचक है जो बुद्ध अथवा अन्य पूजनीय भिक्षुओं के अवशेषों अर्थात दांत हड्डी आदि और उनके द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं पर बनाए गए थे अधिकतर स्तूपों का संबंध बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा अर्थात हीनयान संप्रदाय से है शुरू में स्तूप केवल मिट्टी का टीला अर्थात अंड होता था जिसे बाद में ईंटों या पत्थरों से घेर कर पक्का कर दिया जाता था अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी जो एक छोटी बालकनी जैसी थी हर्मिका के भीतर से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे जो एक छतरी से ढका होता था गुंबद अक्सर एक प्रदिक्षि पथ से घिरा होता था जिसमें रेलिंग और प्रवेश द्वार बने होते थे सभी स्तूपों में अवशेष नहीं होते थे उनमें से कुछ विशिष्ट घटनाओं के स्मारक थे आज जो प्राचीनतम स्तूप मिलते हैं उनमें से कुछ मौर्यकालीन अर्थात तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व है पूर्वोत्तर और केरल को छोड़कर ये स्तूप देश के लगभग सभी भागों में पाए गए हैं जैन धर्मावलंबी भी अपने संतों की स्मृति में स्तूप बनाते थे पेज 121 स्तूप यह एक संस्कृत लफ्ज है जिसके लफ्जी मायने टीला के हैं इससे मुराद आमतौर पर बौद्ध मत की वो इमारतें हैं जो नीम मदुर मिट्टी ईंट या पत्थर से बौद्ध या अहम मराहिबों के तबरुक यानी मसलन दांत या हड्डी के जुज या उनके इस्तेमाल करदा सामानों की याद में बनाई गई थी स्तूप का ताल्लुक आमतौर पर बौद्ध मत यानि हीनयान बौद्ध मत के ठहरवाद स्कूल से है इब्तद स्तूप सिर्फ मिट्टी का नीम मदूर टीला होता था जिसे अंड भी कहा जाता था बाद में इसके ऊपर पत्थर या ईंट का गिलाफ लगाया जाता था ंड के ऊपर एक बालकनी नुमा ढांचा होता है जिसे हार्मिक कहा जाता है इस हार्मिक से एक सुतून निकला हुआ था जिसे यष्टि कहा जाता था जो अक्सर छतरी या छाता से घिरा होता था सपाट जमीन जिस पर गुंबद होता था उसे अक्सर दायरा नुमा रास्ते के जरिए घेर दिया जाता जिसमें रेलिंग और दरवाजे होते थे तमाम स्तूपों में तबरुक नहीं होते थे अलबत् उनमें बहुत से मखसूस वाकयात की यादगार होती थी बास कदीम तरीन स्तूपों का ताल्लुक मौरियाई अहद यानी तीसरी सदी ईस्वी से है शुमाल मशरक़ और केरला के अलावा स्तूप पूरे मुल्क में पाए गए जैन मत के मानने वाले भी अपने बुजुर्गों की यादगार के तौर पर स्तूप तामीर करते थे सूबा। The term was used to refer to provinces into which the Mughal Empire was divided. During Akbar's time, the empire had twelve subas, namely Kabul, Multan, Lahore, Delhi, Agra, Allahabad, Awadh, Bihar, Bengal, Ajmer, Malwa, and Gujarat. This list increased to fifteen with the conquests of Berar, Khandesh, and Ahmednagar. यूजली द गवर्नर ऑफ अ प्रोविंस अंडर द मुगल्स वॉज कॉल्ड अ सिपहसलार दैट इज मिलिट्री कमांडर हाव टाइटल्स ऑफ सूबादार एंड नजीम ए सूबा वर ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब अ प्रोविंशियल गवर्नर ड्यूरिंग दिस पीरियड अ सूबादार दैट इज गवर्नर वॉज द सुप्रीम ऑफिसर ऑफ द सूबा सूबा ये शब्द उन प्रांतों का सूचक है जिनमें संपूर्ण मुगल साम्राज्य विभाजित था अकबर के शासनकाल में साम्राज्य बारह सूबों में बटा था जिनके नाम थे काबुल मुल्तान लाहौर दिल्ली आगरा इलाहाबाद अवध बिहार बंगाल अजमेर मालवा और गुजरात बरार खानदेश और अहमदनगर की विजय के बाद यह सूची बढ़कर पंद्रह सूबों की हो गई मुगलों के शासनकाल में एक सूबे के शासक को आमतौर पर सिपाह सैन्य कमांडर कहा जाता था लेकिन इसी काल में सूबे के शासक के लिए सूबादार और नजीम सूबा का प्रयोग भी किया जाता था सूबेदार अपने सूबे का सर्वोच्च अधिकारी होता था सूबा इस से मुराद वो रियासतें हैं जिनमें मुमलिकत मुगलिया मुनकसम थी अकबर के हुकूमत में बारह सूबों यानी काबुल मुल्तान लाहौर दहली आगरा अलाहाबाद अवध बिहार बंगाल अजमेर मालवा और गुजरात में बटी हुई थी बाद में मजीद तीन सूबे बरार खानदेश और अहमदनगर की फतुहात के बाद सूबों की तादाद पंद्रह हो गई बिलुमोम मुग़ल दौर में सूबे के गवर्नर को सिपा सहलार यानी फ़ौजी कमांडर कहा जाता था ताहम उस दौर में सूबे के इंतज़ामी अमूर के गवर्नर के लिए सूबेदार और नाजी में सूबा की असलाह भी इस्तेमाल की जाती थी सूबेदार सूबे का अफसर आला होता था Subsidiary alliance. It refers to a system of political alliance which was devised by Lord Wellesley in 1798 to expand the British Empire in India. This system of alliance entered into by the English East India Company with the Indian rulers had a number of domineering features. First, the Indian rulers who accepted this alliance were forbidden from fighting or keeping any contact with other European or Indian powers without the prior consent of the company. Second, to maintain internal peace and order, the Indian state had to maintain a contingent of British army for company or pay an annual amount. Third, the Indian state had to accept the appointment of a British resident in its court who would oversee the affairs of the state and its relation with the company. In return, the company assured these states against all internal threats and external invasions. Hyderabad was the first Indian state to have accepted this alliance. For many weaker Indian states, the alliance came as a boon. हावेवर ऑन ए ब्रॉडर स्केल इट अलाउड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू इमर्ज एज द पैरा माउंट पावर इन इंडिया सहायक संधि इस शब्द का तात्पर्य एक ऐसी राजनीतिक संधि से है जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए सत्रह में लॉर्ड वेलेजली द्वारा अपनाई गई थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों के साथ की गई इस संधि की अनेक तानाशाही पूर्ण शर्तें थी पहली जिन भारतीय शासकों ने इस संधि को स्वीकार किया था उन्हें कंपनी की पूर्व सहमति के बिना किसी भी अन्य यूरोपीय या भारतीय सत्ता से लड़ने या संपर्क स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी दूसरी आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय राज्य को ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ेगी जिसके लिए वो राज्य कंपनी को अपने राज्य क्षेत्र का एक हिस्सा सौंपेगा या एक वार्षिक राशि अदा करेगा तीसरी भारतीय राज्य को अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त करवाना होगा जो राज्य के मामलों और कंपनी के साथ उसके संबंधों पर नजर रखेगा इसके बदले में कंपनी ने इन राज्यों को आंतरिक खतरों तथा बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया हैदराबाद ये संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था बहुत से कमजोर राज्यों के लिए तो यह संधि वरदान सिद्ध हुई लेकिन व्यापक पैमाने पर इसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में सर्वोपरि सत्ता बनने का द्वार खोल दिया पेज 122 हंड्रेड जैली इमदादी मुहिदा इससे मुराद सियासी मुहिदे का एक ऐसा निजाम है जिसे लॉर्ड वेलिसली ने हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत की तोसी के लिए 1798 में शुरू किया था हिंदुस्तानी हुक्मरानों के साथ किए गए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इस मुहिदे में मुतद तहकमाना शराइ शामिल थीं अव्वल हिंदुस्तानी हुक्मरान जो इस मुहिदे को कबूल कर लेते थे उन्हें किसी यूरोपीय या हिंदुस्तानी ताकतों से कंपनी की पेशगी मंजूरी के बगैर किसी तरह के मुहिदे या लड़ाई करने की मुमानियत थी डोम दाखिली अमन सुकून को बहाल रखने और बरतानवी इमदादी फ़ौज के इंतजाम इंसराम के लिए हिंदुस्तानी रियासत को अपने इलाक़े का एक हिस्सा कंपनी के हवाले करना या सालाना रकूम अदा करना पड़ता था सोम हिंदुस्तानी रियासत को अपने दरबार में एक बरतानवी रेजिडेंट की तकरूरी को तस्लीम करना पड़ता था जो रियासत के मसाइल और कंपनी के साथ उसके ताल्लुक की निगरानी करता था बदले में कंपनी उन तमाम रियासतों को तमाम दाखिल खतरात और खारजी हमलों से हिफाजत की यकीन दहानी करती रहती थी हैदराबाद पहली हिंदुस्तानी रियासत थी जिसने इस मुहायदे को कबूल किया बहुत सी कमजोर हिंदुस्तानी रियासतों के लिए ये मुहायदा रहमत साबित हुआ ताहम इस इसे से बड़े पैमाने पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हिंदुस्तान में इक्तदार आला के लिए रहा हमवार हुई सुफी, It is an Arabic word which refers to mystics, that is, a person who seeks spiritual union with God in Islam. The way of striving to achieve the inner unity of soul or mind with the ultimate divine reality or Allah by arousing intuitive and spiritual faculties through prayer. Fasting, invoking God's name, that is .e. zikr, dancing to religious music, that is .e. sama, as practiced by the Sufis, is called Sufism. It is often suggested that the term Sufi has been derived from the word suf, which means wool. This derivation is suggested, keeping in view the practice among the Sufis who wore woolen garments instead of finer cotton or silk clothes as a mark of asceticism and self-denial as a practice sufism lays greater importance to the activities of the inner self than on the observance of outward religiosity historically the development of sufism as a system of thought in islam found special favor in persia that is modern iran although its beginning is traced to the prophet and his companions sufi sufivad ये एक अरबी शब्द है जिसका प्रयोग इस्लाम में रहस्यवादी व्यक्ति अर्थात जो अल्लाह के साथ आध्यात्मिक संबंध रखना चाहता है के लिए किया जाता है अल्लाह के साथ आत्मा या मन की एकता को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना उपवास नाम संकीर्तन अर्थात जिक्र धार्मिक संगीत पर नाच अर्थात सामा आदि के माध्यम से अंतर्ज्ञानी एवं आध्यात्मिक ऊर्जाओं को जगाने का जो तरीका सूफियों द्वारा अपनाया जाता है उसे सूफीवाद कहा जाता है अक्सर ये कहा जाता है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सफ शब्द से हुई है जिसका अर्थ है ऊन सूफी लोग सूत या रेशम से बने कपड़ों की बजाय ऊन से बने कपड़े पहनते थे जो उनके आत्मत्याग एवं तपस्या के प्रतीक थे संभवतः सफ़ अर्थात ऊन के कपड़े पहनने के कारण ही उन्हें सूफी कहा जाता था सूफीवाद व्यवहारिक रूप में बाहरी धार्मिक आडंबरों की अपेक्षा अंतरात्मा की क्रियाओं को अधिक महत्व देता है ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो इस्लाम की एक विचार प्रणाली के रूप में सूफीवाद के विकास को फारस अर्थात आधुनिक ईरान में अधिक बल मिला किंतु इसकी उत्पत्ति पैगंबर मोहम्मद और उनके साथियों के समय तक खोजी जा सकती है सूफी तसव्वुफ सूफी अरबी का एक लफ्ज है जिससे मुराद इस्लाम में आरिफ बाल्ला है जो रूहानी तौर पर खुदा से मतहद होने की कोशिश करता है इबादत रोज़ा ज़िक्र और समा के एहतमाम के ज़रिए वजदानी और रूहानी कैफ़ियत को मज़बूत करके दिल या दिमाग की हकीकत मुतलक या ख़ुद को अल्लाह से जोड़ने के लिए जो माहिदा किया जाता है उसे तसवफ कहते हैं आम तौर पर ख्याल किया जाता है कि इसलाह सूफ़ी सूफ से मुश्तक है जिसके मायने ऊन है इस इश्तियाक को सूफिया के लिबास के मद्देनज़र कबूल किया गया है क्योंकि सूफिया अपनी जाहिदाना जिंदगी और बेनियाजी के पेश नज़र उमदा कस्म की सूती या रेशमी कपड़ों के बजाय ऊनी कपड़े पहनते थे तसव्वुफ़ में मजहबी अहकाम की जाहिरी शक्ल से ज्यादा बातिनी अमल पर जोर दिया जाता है तारीखी लिहाज से इस्लाम में तसव्वुफ़ को एक निज़ाम फिक्र की हैसियत से तरक्की के लिए फारिस यानी मौजूदा ईरान ज्यादा साजगार साबित हुआ ताहम उसकी शुरुआत पैगंबर वसल्लम और साहबा के जमाने से ही मिलती है सुलह कुल द एक्सप्रेशन लिटरली मीन्स एब्सोल्यूट पीस और यूनिवर्सल पीस द ideal ऑफ सुलेह कुल ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द reign ऑफ मुगल Emperor अकबर अबुल Fazl, the ऑफ of ain अकबरी Akbari, इट एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ enlightened rule. रूल According to it, all religions and schools of thought had freedom of expression, but on the condition that they would not fight amongst themselves or undermine the authority of the state. Akbar tried to implement this ideal by abolishing tax on pilgrimage. Jazia offering grants for building and maintenance of places of worship and giving positions and awards to the officers of the state purely on the basis of their service and loyalty to the king and not on the basis of their religious affiliations. Sulehkul, Is Abhivektika Shabdekarthai Param Shanti Yani Sarvabhom Shanti सुलह कुल का आदर्श मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में उद्भूत हुआ था आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल ने इसे प्रबुद्ध शासन की आधारशिला माना था इस सिद्धांत के अनुसार सभी धर्मों और विचारधाराओं में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रही है लेकिन इस शर्त के साथ कि वे आपस में लड़ेंगे नहीं और राज्य की सत्ता को कमतर नहीं मानेंगे इस आदर्श को कार्यान्वित करने के लिए अकबर ने तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर और जजिया को हटा दिया पूजा स्थलों के निर्माण और रखरखाव के लिए अनुदान दिए और राज्य के अधिकारियों को प्रतिष्ठा और पुरस्कार विशुद्ध रूप से उनकी सेवाओं तथा बादशाह के प्रति उनकी वफादारी के आधार पर ही दिए न कि उनके मजहब के आधार पर पेज वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री कुल इस इतलाह का लघवी मफहम अमन अमन या अफाकी अमन है। नजरियानशाह अकबर के दौर में हुई थी। अबुल फजल, मजाहिब और मकतबा हाय फिक्र को इजहार राय की आज़ादी इस शर्त के साथ थी कि वो आपस में झगड़े या रियासत के इख्तियार लिए खतरा पैदा ना करें अकबर ने इस नजरिए को आमिल जामा पहनाने के लिए मकामा ने मुकदसा की जियारत से महसूल और जिजिये को ख़त्म किया इबादत गाहों की तमीर व मरम्मत की इजाज़त दी रियासत के कारिंदों को मज़हब से वाबस्तगी की बुनियाद पर नहीं बल्कि महज खदमात और बादशाह की तयन वफादारी की बुनियाद पर ओहदे और इनामात अता किए लॉज रेफर बाई होम इन अर्ली मॉडर्न यूरोप At a time when its society was divided into traditional orders, that is, or estates, these laws emphasized the distinctions between those who were above and those who were below. For example, a law issued in Germany in 18th century prevented maid servants of Brunswick from wearing silk clothes, gold or silver ornaments and shoes. Similar laws had been passed earlier in France and England regulating the dress and food expenditures of different social orders. Though there were no formal sumptuary laws in India as in Europe, there were many places in the country where distinguishing social codes of food and dress existed during this time. The sumptuary laws lost their significance beginning with the 20th century due to rapid industrialization and modernization. Sumptuary Kanun इन कानूनों का तात्पर्य ऐसे निर्णयों से है जिनके अंतर्गत आधुनिक यूरोप के प्रारंभिक वर्षों में ये बताया गया था कि कौन सा वर्ग क्या पहनेगा ऐसे समय में जबकि समाज परंपरागत व्यवस्थाओं अर्थात एस्टेटों में बटा हुआ था इन कानूनों ने कौन ऊंचा है और कौन नीचा इस अंतर पर बहुत बल दिया उदाहरण के लिए 18वीं शताब्दी में जर्मनी में जारी किए गए एक कानून ने ब्रंसविक की नौकरानियों को रेशमी वस्त्र सोने चांदी के गहने और जूते पहनने से मना कर दिया इससे पहले फ़्रांस और इंग्लैंड में भी ऐसे ही कानून पास किए गए थे जिनके द्वारा भिन्न भिन्न सामाजिक वर्गों के वस्त्र तथा भोजन संबंधी व्यय को विनियमित किया गया था हालांकि भारत में यूरोप की तरह औपचारिक रूप से कोई इस तरह का कानून नहीं था फिर भी देश में कई ऐसे स्थान थे जहां उस समय वस्त्र और भोजन के संबंध में अलग अलग सामाजिक नियम थे किंतु 20वीं शताब्दी में औद्योगिकरण और, और आधुनिकीकरण की तेज रफ्तार के कारण इन कानूनों ने अपना महत्व खो दिया मसारफी कवानीन इन कवानीन से मुराद अहकाम हैं जो जदीद यूरोप के दौर में इसकी वजाहत करते थे कि किसकी क्या पोशाक होगी उस वक्त जबकि यूरोप का समाज रिवायती तबकों में मुनकसम था ये कवानी लोगों के माबीन इम्तियाज पर जोर देते थे कि कौन आला और कौन अदना है मिसाल के तौर पर 18वीं सदी में जर्मनी में ब्रुन्सविक की खादमों को रेशम के कपड़े सोने या चांदी के जेवरात और जूते पहनने से रोकने के लिए एक कानून जारी किया गया था इससे कबल फ़्रांस और इंग्लैंड में भी मुख्तलिफ़ समाजी तबकों की तरफ़ लिबास ख़ुर्दानी अशिया पर होने वाले इखराजात में ज़ाबदगी लाने के लिए इस तरह के कवानी जारी किए गए थे अगरचे यूरोप की तरह हिंदुस्तान में इस किस्म के रस्मी कवानी नहीं थे ताहम उस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ मकामात में खाने पीने और लिबास से मुतल समाजी इम्तियाज़ पर मुबनी जाबते थे बीसवीं सदी में सनतकारी और जदीदकारी में तेजी की वजह से मशरफी कानून की अहमियत खत्म हो गई लेटर एस ऑफ ट्राइलिंग डिक्शनरी ऑफ हिस्ट्री फॉर स्कूल्स एंड सियर रेड बाय सुचित्रा गुप्ता एंड मोहम्मद साद ट्राईलिंग डिक्शनरी यू आर जस्ट लिसनिंग टू दिस प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन राजेश निमेश सब्जेक्ट कोऑर्डिनेशन डॉक्टर सीमा शुक्ला ओझा प्रोजेक्ट एडवाइज Dr. Bharti Kaushik. Technical Coordination Bhatilang Lingdo. Assistance in Production Minakshi Kukureti. Framework Advice Ajit Horo. Production Coordination Vandana Arimardhan. Produced and directed by Vimlesh Chaudhary. And this presentation is brought to you by CIET NCERT New Delhi, India.